मॉर्निंग गाइस, मैं हूं बिंजीर, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। तो सुबह सुबह मुझे धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, क्या गर्मी हो क्या ठंडी की मौसम हो, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है। सुबह उठ के जैसे आप ब्रश किए, मुंह में पानी डाला तो मुझे छींक आ जाती है, और हमेशा से बचपन से मुझे धूप बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन धूप ले सकती हूँ, लेकिन सुबह वाला जो मॉर्निंग वाला जो हल्का हल्का जो धूप आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ बालकनी में आई हूँ, थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ। और सुप्रियो अभी अभी चले गए। अरे अमायरा रो रही है, लगता है अमायरा उठ गई है, चलो देखते हैं। ये देखो अमायरा उठ गई है, अमायरा का गुड मॉर्निंग हो गई है। तो मैं अमायरा को भी थोड़ा सा धूप सेकने लाई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा था पहले के ब्लॉग में कि थर्ड वेव से बचने के लिए विटामिन डी का बूस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नेचुरल सोर्सेस है, मैं इसको 5-10 मिनट यहाँ पे रखूँगी। विटामिन डी इसको प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े देर धूप सेक लो, अच्छा होता है सेहत के लिए। और देखो अभी तो मौसम ऐसा है कि कभी बारिश हो रहा है तो कभी धूप निकल रहा है। तो अरे पापा चले, ये देखो पापा जा रहे हैं आज हमारे पुश्तैनी घर खुशपुकुर पे, और सम्राट भी वॉक के लिए गया है। ये रहा सम्राट, यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो अभी बज रहा है 7:20, तो ये सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। यहाँ पे खाली खाली सा जगह है। सुप्रियो बहुत सुबह निकल गया है, और चलो अमायरा का सुबह वाला जो विटामिन का दवाई है वो दे देते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी भी पिला देंगे। मम्मी ने ये बिस्तर सेट कर दिया है, लेकिन ये वाला रूम जो है सम्राट के रूम में हम लोग सोए थे रात को, क्योंकि यहाँ पे एसी है, तो ये वाला बिस्तर अभी सेट नहीं हुआ, तो इसको सेट करना पड़ेगा। चलो अमायरा, आपका मेडिसिन का टाइम हो गया है। दोस्तों देखो, अचानक मैं अमायरा के साथ बात कर रही थी, अचानक देखा कि आसमान जो है पूरा एक साइड में काला घना बादल छा गया, और एक साइड में देखो ब्लू ही आसमान। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मम्मी को कहा कि मैं एक बार छत धो के आती हूँ और एक बार अपने दोस्तों से शेयर करती हूँ। और बहुत जोर से बादल गरज रहा है इस साइड में देखो। तो अमायरा अभी अभी सो के उठी है, और उसको लेकर ही मैं चली आई। मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि बादल गरज रहा है, और मैंने बस इस छत की सीनरी आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है आज, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश शुरू हो गई, और नीचे देखो सब्जी वाला आया है, और घर तक पानी आ रही है। तो अभी दोपहर हो गई है, और अभी हमने लंच भी कर लिया है, और अमायरा को भी मैंने अभी अभी खिलाकर बालकनी में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदर सा हवा चल रही है, बहुत प्यारी प्यारा लग रहा है ये हवा, बहुत मीठा सा।
शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये कपड़े देखिए, इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितनी जोर से हवा चल रही है। तो अभी पापा जो सुबह मैंने दिखाया था बाहर गए थे, तो अभी पापा अभी अभी लौटे हैं, अभी लंच के लिए बैठेंगे। और आज लंच में मम्मी ने पकाई है फिश करी, तो आज फिश करी खाई हम लोगों ने। और अमारा के लिए था आज चिकन, और अमारा चिकन खाई है। और चलो थोड़े देर नैप ले लेते हैं, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है, बारिश हुआ और बिल्कुल ठंडा ठंडा वेदर है। कोलकाता से बहुत डिफरेंट है यहाँ के वेदर, इतने से तो कितना पापा ही, यहाँ से कोलकाता की डिस्टेंस कितना होगा, 59 किलोमीटर है यहाँ से कोलकाता के डिस्टेंस, इतने में इतना फर्क। तो चलो फिर थोड़े देर नैप ले लेते हैं, उसके पहले दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मा क्या कर रही हो? पाइनएप्पल। अच्छा, पाइनएप्पल काट के ला रही है, ठीक है। पापा को दे दिया लंच है? अच्छा, पापा को लंच परोस रही है और पाइनएप्पल यहाँ पे काटा गया है। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोगों से किसी ने बात नहीं किया और किसी ने हाय भी नहीं किया। सम्राट ने अभी ब्रेक लिया है, लंच ब्रेक। और यहाँ पे देखो, ये अपने काम में बिजी है। तो चलो हम लोग पाइनएप्पल का टेस्ट लेते हैं, कैसा है पाइनएप्पल? मीठा है। पाइनएप्पल का स्वाद उठाते हैं। हेलो गाइस, दोपहर को सोने के बाद फिर अभी टाइम है आफ्टरनून का, और अभी मैं हूँ छत पर, आप लोगों को आसमान दिखा रही हूँ। और एक्चुअली हमारा दोपहर को बहुत परेशान किए और बिल्कुल सो नहीं पाई, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। और मम्मी हमारा को लेकर छत पे आई है। मम्मी ये रहा, यहाँ पे बैठी है, और मम्मी हमारा को लेकर छत पे आई है। ये रहा हमारा, जो अपने शू को हाथ में पकड़ कर चल रही है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद में आई यहाँ पर, और आकर मैंने देखा कि हमारा यहाँ पर खेल रही है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दोपहर के बाद से कैमरा नहीं उठाया, और अभी मैं छत में आई हूँ। तो देखो हमारा क्या कर रही है। सोच रही थी कि आज थोड़ा बाहर जाया जाए पापा के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मार्केट में कुछ चीज़ें लाना था। लेकिन तबीयत इतना ख़राब कर रहा था ना, यहाँ से दर्द शुरू हो गई, कि हमारा ना रात को बिल्कुल बिस्तर पे नहीं सोती है, और उसका बिल्कुल ये जो हैबिट है, बैड हैबिट हो रहा है, वो बिल्कुल हाथ के ऊपर सोई रहती है। क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात, हर टाइम इस हाथ के ऊपर रहते रहते ना, मुझे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई है। तो मन नहीं किया बाहर जाने के लिए, तो देखते हैं कल शायद अगर हो पाए पापा का सुबह टाइम, तो सुबह जाऊंगी, क्योंकि ना दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है शाम को बाहर निकलने में। और मैं जहाँ भी जाऊंगी, हमारा को साथ ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तो हमारा मम्मी के पास रहेगी नहीं। और कितना हवा चल रहा है, देखो मेरा बाल सारे पुलट पुलट हो रहा है। और यहाँ इस फ्लैट में ना एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये सोलर एक प्लांट बैठाया गया है किसी के रूम में है, पापा के यहाँ के। तो ये जो सनलाइट से पावर लेके इसे अपना कोई काम करते हैं। तो पहली दफ़ा मैंने सुना था, लेकिन पहली दफ़ा अपने आंखों से देख रही हूँ, यहाँ पर एक सोलर प्लांट बिठाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ की और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल गरजता है, बिजली गिरता है, तो इसलिए ये जो है ये अर्थिंग पॉइंट है, ये वाला जो है ये अर्थिंग पॉइंट है, और ये वाला जो है ये सोलर प्लांट है।
ये किसी ने बिठाया अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के लिए और आर्थिंग पॉइंट में है ये, और ये ना आर्थिंग पॉइंट यहाँ पे भी है, इस साइड में भी है और छत के दोनों साइड में भी है, जो कि बहुत गुड साइन है। कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा बिजली गिरता है और कुछ बिजली गिरे तो फैन वगैरह सब खराब होते रहते हैं। जैसे मेरे सामने बोधी के फ्लैट में ही हुआ था पिछले साल फैन खराब, तो वैसा यहाँ पे शायद प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला आर्थिंग का जो है ये किया गया है। और ये देखो ये आ गई है, और खेलने के मामले में तो सही है लेकिन खाने के और सोने के मामले में ही जीरो है। मैं जब पिछले बार आई थी तब आप लोगों को बताया था ना कि ये वाला पेड़ में जो है यहाँ पे टिया पाखी रहती है। टिया पाखी मतलब पैरट, तो यहाँ पे पैरट बहुत सारे पैरट रहती है। तो अभी मैं जब वीडियो बना रही थी तब यहाँ से कोई भी पैरट नहीं गुजरा तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अचानक अमारा का पापा का कॉल आ गया, वीडियो कॉल। मैं अमारा के पापा को अमारा को दिखा रही थी, उसी वक्त देखा कि इस पेड़ से दो पैरट उड़ के हमारी छत के ऊपर से इस साइड से इस साइड में एक पेड़ में जाकर बैठा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो कि शेयर नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ पे कैमरा उठाकर मतलब ऐसे ही खड़ी हुई हूँ, अगर फिर से इन लोगों का दया हो जाए और यहाँ से जाए तो आप लोगों को दिखा पाऊंगी इसलिए। लेकिन कब से खड़ी हूँ लेकिन कोई भी इस साइड में नहीं आ रही है। और ये वाला जो पापा के घर के सामने जो ये वाला हाउस है, देखो इसके ऊपर कितनी सुंदर सुंदर ट्री लगा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। ये कॉलोनी में ना सब लोग ट्री बहुत अच्छे लगाते हैं। और ये वाला सामने वाला जो पेड़ है इसमें बेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। और आसमान आज भी बहुत सुंदर है, इस टाइम में ना आसमान अच्छा ही रहता है। और इस पेड़ में मैं अभी भी मुझे नज़र आ रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर का पैरट जो है, दो पैरट बैठा हुआ है ऊपर वाला माले में, लेकिन मुझे वो इस साइड में आएगा तभी तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी। बहुत दूर से जा रही है इसीलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट उड़ती है। हमारा के देखो माँ इस पेड़ में चार पैरट खेल रही है जो कि इतने फास्ट जा रहे हैं और कैमरा में ये लोग नजर भी नहीं आ रहा है। एक जगह बैठते तो मैं आप लोगों को दिखा पाती कि मुझे पैरट ये देखो बहुत ही नजदीक से गया, अगर छत के ऊपर से जाता तो मैं जरूर दिखा पाती। चलो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, थोड़ा कुछ तो दिखा पाई आप लोगों को। चलो माँ नीचे जाए बार, चलो तो चलिए नीचे चलते हैं। अमाय रखो मैं गोदी में लेती हूँ, तुम्हें नामते पड़े ना सीढ़ी। तो गाइस अभी हम किचन में है और अभी अमायरा का ओट्स तैयार है तो मैं उसके लिए ओट्स परोस रही हूँ। झालमुड़ी खाबी है? झालमुड़ी शशा के हैं ভালো করে শশা আর কি দেবে? শশা দেবো তোর একটু চানাচুর, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা দাও। চানাচুর চানাচুর আছে? হ্যাঁ চানাচুর আছে। मम्मी शाम के टिफिन के लिए पूछ रही है, कह रहे कि झाल मुड़ी खाओगी? झाल मुड़ी मतलब हमारे बंगालीज में फेमस है झाल मुड़ी, वो मुरमुरा से बनाया जाता है जिसमें कुकुम्बर डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, जो स्नैक्स होता है जो चनाचूर बोलते हैं उसे डालते हैं, जो चूरमुड़ा बोलते हैं
वो डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं, फिर एक मुरमुरा के साथ उसको मिक्स करके हम लोग शाम के टाइम में खाते हैं। तो वही मम्मी पूछ रही थी कि झाल मुड़ी खाओगे। छोड़ो, देखिए इधर आके, इधर बारा नीचे ही जाते। तो चलो, अमायरा का ओट्स मैंने ले लिया है और अभी अमायरा को खिलाने के लिए चलती हूँ। और अमायरा अभी अपने डैडा के पास है यहाँ पे। ये रहा झाल मुड़ी, जो तीखा वाला मुरमुरा मम्मी ने इसको रेडी किया है। तो गैस, अभी बज चुका है 8 और मुरमुरा खाने के बाद हम सब चाय वाय पिए और वहाँ पे गप्पे कर रहे थे। सम्राट भी आज जल्दी से अपना काम छोड़ के उठ गए हैं, तो सब मिलके यहाँ पे गप्पे कर रहे थे। और अभी अमायरा सम्राट के साथ खेल रही है, तो मैं आई हूँ किचन में सम्राट अमायरा का जो खिचड़ी है उसे गर्म करने के लिए। और उसका मैं डिनर जो है वो अभी मैं रेडी करके रख दूंगी, तो उसको जब भूख लगेगी मुझे मांगेगी और मैं उसको जल्दी से दे पाऊँ इसीलिए। और आज रात को खाने में है चिकन की भरता और रोटी, जो कि मम्मी बना रही है अभी। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। बने रहो मेरे चैनल में, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई नए हो मेरे चैनल में जो कि मेरी वीडियो अब तक देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब और उसके पास रखे हुए बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।